नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में बात कश्मीर की, जहां एक बार फिर बातचीत से समाधान पर जोर देने की चर्चा हो रही है। कश्मीर के राज्यपाल की पहल पर हुर्रियत के एक नेता की तरफ से सकारात्मक बयान दिए गए हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि हुर्रियत नेता बातचीत को तैयार हैं। हुर्रियत के एक नेता ने भी कहा है कि कश्मीर समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों तरफ से नज़र आ रही इस पहल से हम क्या और कितनी उम्मीद कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार वाकई कश्मीर पर अपने रुख में बदलाव ला रही है और अलगाववादियों से सार्थक बातचीत की पहल कर सकती है। अगले आधे घंटे में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, JNU के पूर्व प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय, सिक्किम के पूर्व DGP अविनाश मोहनानी और देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे अवजात हबीबुल्ला, जो कश्मीर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की फिजा में अब फिर बातचीत की चर्चा गूंजने लगी है। कभी बातचीत की हर पहल को ठंडे बस्ते में डालने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता भी अब बातचीत की बात करने लगे हैं। बातचीत की इस चर्चा की शुरुआत 22 जून को हुई, जब श्रीनगर के एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में हालात सुधरने के बाद हुर्रियत के नेताओं ने बातचीत की इच्छा जाहिर की है। यानी राज्यपाल कह रहे थे कि सूबे में सुधरते हालात के बाद अब हुर्रियत के नेता बातचीत के टेबल पर आने को तैयार हैं और उनकी तरफ से बातचीत के संकेत दिए जा रहे हैं। राज्यपाल के बयान के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक का बयान आया है। मीरवाइज कह रहे हैं कि अगर सार्थक बातचीत की शुरुआत हुई तो हुर्रियत के नेता बात करने को तैयार हैं। हुर्रियत कश्मीर के मुद्दे का हल निकालने के लिए हमेशा सार्थक बातचीत के लिए तैयार रही है। हमारा विचार है कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। यानी अब कश्मीर में बातचीत का माहौल तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन में हालात कमोबेश सुधरे हैं। केंद्र में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी की सरकार कश्मीर पर सावधानी से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनुच्छेद 35A का जिक्र नहीं था। ये दोनों मुद्दे कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार फिलहाल सीधे सीधे विवादित मुद्दों से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि केंद्र सरकार को बड़ा जनादेश मिला है। ऐसे में कश्मीर मसले के समाधान के लिए सभी पक्षों से बातचीत होनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर बातचीत अगर आप हुर्रियत से कभी भी करेंगे तो पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा। दूसरा अहम पहलू ये है कि एक तरफ बातचीत हुर्रियत के लीडरों से होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ हुर्रियत के जो लीडर हैं वो सब नज़रबंद हैं। वो नज़रबंद हैं तो बातचीत कैसे करेंगे। जाहिर है दोनों तरफ से सधे सुर में बातचीत की चर्चा हो रही है। सूबे में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इंतजार सिर्फ पहल का है। और सवाल ये कि क्या कश्मीर में अब मोदी सरकार हुर्रियत नेताओं से बात करेगी, क्या कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति बदली है, और बड़ा सवाल ये कि कश्मीर पर ये नई पहल कितनी कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वजाहत साहब, आपसे शुरू करते हैं। कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि आज जो स्थिति राज्य में है वो 2016 से बहुत अच्छी है, बेहतर है। इस बात के क्या इंडिकेटर्स हैं कि आज की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है और बातचीत का माहौल बन सकता है? ये तो राज्यपाल ने स्पष्टीकरण करनी पड़ेगी इस चीज़ की, किंतु क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ जो झगड़े हो रहे हैं और इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनमें तो कोई ख़ास कमी नहीं हुई है, ना ही मिलिटेंट्स बनने में जो बच्चे जा रहे हैं गुमराह हो रहे हैं उसमें कोई ख़ास कमी आई हो। किंतु यह बात तो अवश्य है कि वहाँ का माहौल, मैं वहाँ गया था, मैंने कोई 3-4 हफ्ते वहाँ गुजारे जब इलेक्शन का दौरान था, कि एक जो माहौल है वहाँ शांतिपूर्ण है और कोई ऐसा कोई दिन ब दिन का ख़तरा एक नागरिक को नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे ये तो आप कह सकते हैं कि हालात सुधरे हुए हैं। तो इस माहौल में ये बात करना कि बातचीत होनी चाहिए, मेरे विचार में ये इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। ठीक है,
अविनाश जी, आज भी कश्मीर के अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि भले ही भारतीय सेना ने अपना उग्रवाद के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है, अब लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई कश्मीरी युवा मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, उग्रवाद की तरफ जा रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक 50 युवा कम से कम जा चुके हैं, और अगर हम एनकाउंटर्स ही देखें तो जून से लेकर अब तक 8 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। 11 जून से अब तक 8 बड़े एनकाउंटर हो चुके हैं। 5 CRPF के जवान पिछले वेंसडे को मारे गए। ऐसे में ये कहना कि स्थिति सामान्य हो गई और बातचीत हो सकती है, कितना सही है? देखिए, पहले तो मैं कभी भी कश्मीर का जो आकलन करता हूँ कानून और व्यवस्था की या आतंकवाद की स्थिति का, वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें काफ़ी गुमराह भी कर सकती है। कई बार हमें लगता है कि काफ़ी फर्क आ गया है, लेकिन अचानक कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिससे फिर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, फिर बात होती है कि स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो अगर हम ये खाली उस पर जाएँ स्टैटिस्टिक्स पे कि कम हो रहा है, इंसिडेंट कम हो गए या मिलिटेंट ज़्यादा मारे जा रहे हैं, तो मेरा ये सोचना है कि ये एक बहुत कोई सही आकलन करने का तरीका नहीं है। देखिए, 14 फरवरी को जो एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ जिसमें हमारे CRPF के करीबन 40 जवान शहीद हो गए थे, अब उस समय एकदम अचानक सब ने कहा कि जो वहाँ की हालात है वो बहुत ख़राब हो गए हैं। उससे 5 दिन पहले तक तो कोई ऐसा बोल नहीं रहा था। तो अब अगर एकदम हम बोलते हैं, कल को कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसमें बहुत मुश्किल है। दूसरा जो एक इंडिकेटर है कि वहाँ की स्थिति का, वो है कि क्या लड़के अभी भर्ती हो रहे हैं क्या। अगर लड़के अभी भी भर्ती हो रहे हैं जैसा कि अखबारों में छप रहा है या रिपोर्टों में आ रहा है, तो ये बहुत कोई अच्छा संकेत नहीं है। नंबर दो, अगर वो लड़के भर्ती हो रहे हैं और उसको लोगों की तरफ से एक सोशल एक्सेप्टेंस है क्या, वो जाके अपना सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उनको लाइक्स मिल रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति है तो वो भी एक अच्छी स्थिति हमें नहीं दर्शाती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी हम इतना तुरंत ही निष्कर्ष पर पहुँचे कि स्थिति में बहुत बदलाव आया है। ठीक विनोद, अगर बदलाव नहीं आया है तो चुनाव आ रहा है जम्मू कश्मीर में, कहा जा रहा है कि साल के आखिर तक वहाँ पे विधानसभा का चुनाव करवा दिया जाएगा, नई नई पार्टियाँ भी बन रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या राज्यपाल ने ये मुद्दा इसलिए उठाया है ताकि ये कहा जा सके कि स्थिति सामान्य हो गई है और किसी तरह की एक बातचीत की शुरुआत भी की जाए ताकि चुनाव राज्य में हो सके? क्या चुनाव से कोई संबंध है इसका? देखिए, एक तो मैं सतपाल मलिक को अच्छे से जानता हूँ, बहुत परिपक्व पॉलिटिशियन है वो, लेकिन जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई है वो थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी है कि पब्लिकली ऐसी बातें नहीं की जाती। आपने अगर बातचीत शुरू करनी है तो आप बातचीत का रोड मैप तय करें। देखिए, आपके जो शुरू में आपने दिखाया एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में धारा 370 और 35A की बात नहीं की, लेकिन राम मंदिर की भी नहीं बात की उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनकी बात नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने अपना रवैया बदला हुआ है इन मुद्दों पर। 370 पे और 35A पे जब तक सरकार विस्तृत रूप से ये बताती नहीं है कि उनका क्या रवैया है, तब तक इस बातचीत शुरू होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन सरकार का ये इंटेंट कि वो बातचीत करना चाहती है, मैं समझता हूँ, इसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि अभी तक जितना कश्मीर में जो कुछ हुआ है पिछले पूरे कार्यकाल में NDA के और अब भी, वो एक मिलिट्री एक्शन है और वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर वो इंटरवेंशन होगी तो जो बच्चे गुमराह होके और जो आतंकवादी तंजीमों से जाके मिल रहे हैं उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि इस जनरेशन ने अभी तक कोई पीस प्रोसेस देखा नहीं है। जो जनरेशन आज के दिन वहाँ बंदूक उठा के घूम रही है, और मैं समझता हूँ कि वो नज़ारा, वो रे ऑफ होप उनको दिखाना ज़रूरी है ताकि वहाँ पर हालात सुधरें। ठीक है, प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय, क्या हुर्रियत के नेताओं के बीच और जो ये बच्चे उग्रवादी संगठनों में जा रहे हैं, इनके बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है कि अगर हम बातचीत करें हुर्रियत के नेताओं से तो जो कश्मीर के जवान हैं वो मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करेंगे, और अगर कोई लिंक है ही नहीं तो इस बातचीत का उन पर क्या असर पड़ेगा या क्या असर नहीं पड़ेगा?
देखिए, हुर्रियत को कोई भारत सरकार की तरफ से या गवर्नर की तरफ से उनको कोई मतलब मौका नहीं मिला है कि वो जो दिक्कतें हैं कश्मीर में, जो छात्रों के मामले हैं और उसके साथ साथ जो हिंसा के भी घटना है जिसमें पैलेट गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके बारे में कश्मीरियों को काफ़ी आपत्ति है, तो ये नहीं है कि माहौल में कोई सुधार हुआ है। वो सुधार बनाने के लिए देख के और सब कुछ मिला के करना होगा। तो ये ज़रूरी है कि हुर्रियत से भी बात हो, आम कश्मीरियों से भी बात हो, और जो मसले हैं जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, जैसे 370 35 इत्यादि, इससे जो लोगों में शक है वो पीस प्रोसेस को कमज़ोर करता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि पहले ही सोच के सरकार को ये देखना चाहिए था कि हम क्या करेंगे, किस ऑर्डर में करेंगे और फिर लोगों को साथ कैसे लाएंगे। ठीक, ये ऐसे कोई सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं लगता है। ठीक है, वजाद हबीबुल्ला साहब, क्या बातचीत की शुरुआत हवा में होगी? केवल एक नेता हुर्रियत के हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मीनिंगफुल डायलॉग होगा तो वो सकारात्मक जवाब देंगे, वो है मीरवाइज उमर फारूक। दो धड़े और हैं हुर्रियत के, एक सैयद अली शाह गिलानी का, दूसरा शबीर शाह का। शबीर शाह जेल में हैं और गिलानी साहब नज़रबंद हैं, उमर फारूक भी नज़रबंद हैं। बाकी दो को बाहर रख के आप कह सकते हैं कि हम हुर्रियत से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो अभी तो कोई स्पष्टीकरण किया नहीं है राज्यपाल ने, और ये देखना है कि उनका उनका इसमें क्या मतलब है। जहाँ तक कि हुर्रियत का ताल्लुक है, जैसे मीरवाइज़ साहब ने बार बार कहा, आपने दिखाया भी है कि वो तो काफ़ी समय से तैयार हैं बातचीत शुरू करने का। ये मेरे विचार में ये बात नहीं है कि अब वो तैयार हो गए हैं बातचीत करने के लिए, वो तो बार बार ऐसा कर रहे हैं। उनके मेरी भेंट भी हुई है, आपकी भी भेंट हुई है मीरवाइज़ साहब से, यशवंत सिन्हा जी के गए हुए थे, उनसे मिले थे, बार बार उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो यह बात नहीं है। इसमें जो महत्व है ये कि राज्यपाल की ओर से ये कहना, इसका यह मतलब है कि सरकार इस चीज़ के लिए तब तैयार है कि बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, अब बातचीत, जैसे चिनॉय साहब ने कहा, बातचीत करने के लिए उस माहौल को पहले तैयार करने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें देखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता कि स्पष्टीकरण करना होगा सरकार ने कि ये बातचीत के लिए अगर वो सीरियस है कि ये बातचीत दोबारा शुरू हो। अच्छा, इसका असर क्या होगा, वो क्या उसका असर होगा, वो जो जो लड़के हैं, जैसे आपने पहले प्रश्न किया कि उन पे कुछ असर होगा कि वो मिलिटेंसी में जाने से रुक जाएंगे, नहीं, उसमें ये है कि हम सब आपस में मिलके यह कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को समझाएं कि यह रास्ता ठीक नहीं, क्योंकि हुर्रियत के जो लीडर्स भी हैं, उनका नेतृत्व भी है, वे भी ये समझते हैं कि बंदूक उठाना रास्ता नहीं है। उनका उनका राजनीतिक विरोध है भारत सरकार के साथ, वह तो है, लेकिन वे भी ये समझते हैं कि बंदूक उठाना गलत रास्ता है। तो शुरुआत में ये बातचीत का नतीजा यह निकल सकता है कि सब मिलके जो कश्मीर का समाज है, जो सरकार है, सब मिलके यह कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो गुमराह हो रहे हैं और आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं, उनको इससे डिस्करेज किया जाए और उनको लाया जाए मेन स्ट्रीम में, और उनको ये इनके उनकी हौसला अफजाई की जाए कि वो जो जमहूरी निज़ाम है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें एक भाग लें। ठीक है, अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि कौन गुमराह था। पिछले 5 साल तक बच्चे गुमराह थे या वही केवल गुमराह थे कि सरकार भी गुमराह थी? इन सब बातों पर आगे चर्चा करेंगे कि कैसे सब लोग रास्ते पर आएँ और बातचीत कश्मीर में हो सके, और हो भी सकती है कि नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश विच एडवांसेस योर करियर इन एजुकेशन। भाभा यूनिवर्सिटी इज राइट फॉर यू एज वी चूज करियर बिफोर एनीथिंग। इट इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर ड्रीम्स एंड डिस्कवर योरसेल्फ एज वी प्रोवाइड यू द 50 एकर्स ऑफ लश ग्रीन कैंपस, टॉप लीडिंग रिक्रूटर्स फॉर प्लेसमेंट।
high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 916502500. इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। अविनाश मोहनानी जी, कश्मीरी अलगाववादियों का नेतृत्व अभी तक 2016 से लेकर अब तक एक त्रिमूर्ति कर रही थी, कौन? सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक। वो कहते थे कि हमें जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, एक संयुक्त नेतृत्व है उनका। अगर संयुक्त नेतृत्व है तो क्या मीरवाइज ने बाकी दो से बात की होगी कि बातचीत में कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यासीन मलिक तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं, उनसे बात की होगी? उन्होंने हाँ कहा होगा या उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी से पूछा होगा? क्या बातचीत केवल मीरवाइज से हो सकती है कि आप गिलानी साहब को और यासीन मलिक को बाहर रखें, शबीर शाह को बाहर रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मीरवाइज ने जो बात कही थी, जो 31 मई को जमतुल वुदा के मौके पर उसने कहा था कि भाई अब भारत में नई सरकार बन रही है तो उसको अब इस मैंडेट के साथ पहल करनी चाहिए कश्मीर में शांति बहाल करने की। अब ये जो उन्होंने बात की, ये बातचीत की, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पुराना राग है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। शुरू से ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि ये एक, पहले उन्होंने कहा त्रिपक्षीय मामला है, तीनों पार्टीज बैठेंगे, ट्राईपार्टाइट डायलॉग, और फिर बाद में वो ट्रायंगुलर डायलॉग पे भी आ गया कि तीनों पार्टीज मिल के बात करें, तो उसमें वो पाकिस्तान को भी एक पार्टी मान के चलते हैं। और ये उनके हुर्रियत के संविधान में भी है, जो मीरवाइज वाला संविधान है, और गिलानी वाले संविधान में ट्रायंगुलर का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें खाली ट्राईपार्टाइट डायलॉग का प्रोविज़न है। तो अब ये है कि ये संविधान के तहत ही अभी उन्होंने अपने हुर्रियत के संविधान के तहत बोला है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इवन गिलानी साहब से बात की है कि नहीं की है, क्योंकि गिलानी साहब तो वहीं हैं कश्मीर में, नज़रबंद हैं लेकिन हैं वहीं पर। यासीन मलिक और शबीर शाह से तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो दोनों अभी जेल में बंद हैं अलग अलग केसेस में, तो ये नहीं लगता कि मीरवाइज उनसे बात कर पाए होंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक सब एक मत नहीं होंगे तो हुर्रियत की तरफ से कोई हाँ या कोई पहल की संभावना नहीं है। ठीक, विनोद, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ इसी से जुड़ा हुआ। क्या मीरवाइज में ये हिम्मत होगी कि सबको अलग छोड़ के वो स्वयं बातचीत की अगुवाई करें? और अगर वो ऐसा करते हैं, उनका परिवार का इतिहास आप जानते हैं, वहाँ कितनी हत्याएं हो चुकी हैं ये भी आप जानते हैं, तो क्या वो पहल करेंगे? और ऐसी पहल करेंगे, क्या वो अपने आप को और अपनी राजनीति को कश्मीर में बचा पाएंगे? भारत, दो तीन चीज़ें पहले हम क्लियर कर लें। यही सरकार है जिसने कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को थर्ड पार्टी डिक्लेयर किया था। उनकी इस बात से पहले थर्ड पार्टी हम समझते थे कोई अमेरिकन इंटरवेंशन हो रहा हो, कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो कि कश्मीर पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हो। इसी सरकार ने हुर्रियत को थर्ड पार्टी डिक्लेयर किया और कहा कि हम इनकी इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। तो अगर हुर्रियत स्टेक होल्डर, क्या मान लिया आप क्या कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है? और दूसरा सवाल, क्या हुर्रियत का प्रभुत्व अब नौजवानों में उतना ही है जितना किसी ज़माने हुआ करता था? मैं समझता हूँ कि हुर्रियत की जो लीडरशिप आज के दिन है वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड और वीकन लीडरशिप है, और उनके पास वो अब शक्ति नहीं है, क्योंकि वो शक्ति सरकार ने खुद उनसे ली है, क्योंकि बातचीत नहीं की उनसे, इतने लंबे समय तक बातचीत नहीं की। ये एक मैक्सिमलिस्ट फोर्स थी जिससे पहली एडमिनिस्ट्रेशंस और सरकारें बात करती थी, शायद ये सोच के कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में उनकी स्टेटेड पोजीशन से अलग होकर कोई फैसला हो जाए तो ये मैक्सिमलिस्ट फोर्स जो है ये उस फैसले को आवाम में क्रेडिबिलिटी दे सकती है, शायद उनकी अहमियत ये थी। अब रही बात कि क्या मीरवाइज अकेले कर सकते हैं, मैं समझता हूँ नहीं कर सकते। मुझे याद है कि 2 बरस पहले जब हम एक डेलीगेशन में इन सब से मिले थे, मीरवाइज से मिले थे, जिलानी साहब से मिले थे, शबीर शाह से मिले थे, तो उस वक्त जिलानी साहब ने एक मैसेज कन्वे किया गया था गवर्नर साहब की तरफ से, एन एन वोरा साहब की तरफ से, कि उन दिनों रमज़ान का महीना था कि भाई वो पीस के लिए कॉल दें ताकि ये रमज़ान का महीना ठीक से निकल जाए, फिर फ्रूट का सीज़न है, बच्चों के इम्तिहान हैं। तो उस वक्त
जिलानी ने कहा था कि हम तो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, हम तो नज़रबंद हैं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो हम जब तक बातचीत नहीं करें कर लेंगे हम तो फैसला कैसे लेंगे कि हमने क्या करना है। तो जब जिलानी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते, जिनकी रिलेटिव टर्म्स में मैं समझता हूँ 65 ज़्यादा है, तो मीरवाइज भी नहीं ले सकते और शब्बीर शाह भी नहीं ले सकते और यासीन मलिक भी अकेले नहीं ले सकते। बिल्कुल, यासीन मलिक तो वैसे हुर्रियत में है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इसका जो टेक्सचर है, ये जो डायलॉग की शुरुआत है, इसके टेक्सचर में बहुत सुधार की ज़रूरत है और इसको अभी वाजे नहीं करना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था, बैकग्राउंड में बातचीत होनी चाहिए थी और उसके बाद बताते कि अब बातचीत शुरू हो गई है, हम लोग मिलने वाले हैं, वो लोग भी अपने तर्क ढूंढ लेते, सरकार के पास भी तर्क आ जाते अपने। ठीक, प्रोफेसर कमल मित्र चुनाव, अगर मान लीजिए बातचीत हो जाती है, मान लीजिए सब हुर्रियत के लोग तैयार हो जाते हैं, यासीन मलिक भी तैयार हो जाते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, तो सरकार का उस बातचीत का उद्देश्य क्या होगा? क्या उद्देश्य ये होगा कि घाटी में हिंसा खत्म हो जाए और स्थिति सामान्य हो जाए ताकि हम कह सकें कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, या इसके साथ साथ उसका उद्देश्य ये भी होगा कि कश्मीर समस्या का एक दीर्घकालीन सोल्यूशन निकाला जाए, एक परमानेंट सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए फिर कई आंकड़े हैं कि हुर्रियत के साथ किस तरह से वार्तालाप होगा, जो हुर्रियत के समर्थक हैं उनको, जैसे यासीन मलिक, उसको जेल में डालने से क्या फ़ायदा होगा बातचीत में? और इसके इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये ज़रूरी होना चाहिए कि पहले से तैयारी हो और ये तय हो जाए कि यदि फलाना बंद हुआ उसका क्या किया जाएगा, यदि छात्र भाग के जा रहे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए कोई सावधान कुछ काम दे सकते हैं क्या होगा, कुछ तो अब तक तय नहीं हुआ है। तो ना जो गवर्नर हैं उनको कोई सुझाव अब लेना चाहिए, पहले लोगों से बात करके, आम कश्मीरी जिसके ऊपर उनको भरोसा है उनसे भी बात करके तैयारी हो कि हम किस तरह से ये पीस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। इस समय ऐसे कोई दिखावा है ही नहीं, मतलब कोई मैप नजर नहीं आ रहा है। मामले उनको दुखद लगते हैं, जैसे जो जो दुखद मामले हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे? हुर्रियत का जो मामला है, जो लोग गिरफ्तार हैं उनका क्या करेंगे? ठीक, यदि जो लड़के भाग के जा रहे हैं उनका क्या करेंगे? कमल, मैं आता हूं तो आपके मामला पास। केवल कश्मीर पर का नहीं है, ठीक है, रोड मैप नहीं है आप कह रहे हैं। वजाद साहब, क्या कश्मीर समस्या का हल बिना पाकिस्तान से बात किए हो सकता है? और अगर आप पाकिस्तान को बाहर भी रख देते हैं तो क्या कश्मीर समस्या का हल तब तक हो सकता है जब तक ये सरकार, जो ऐसी पार्टी की सरकार है जो कमिटेड है कि हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे, जैसे विनोद ने पहले कहा, ये इस समस्या का हल निकाल सकते हैं क्या? ना पाकिस्तान से बात करेंगे और 370 भी हटा देंगे और 35A भी हटा देंगे। भारत भूषण जी, ये इस एक राज्यपाल के स्टेटमेंट से हम छलांग ना लगा लें, अब वो समस्या भी हल कर लेंगे, पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ पाकिस्तान से बिना बात किए कश्मीर का सलूशन हो सकता है क्या? इस बात से अभी पहले लेट अस कीप आवर विजन मॉडेस्ट। ये है कि इसका इस समय मकसद होना चाहिए मेरे विचार में साधारण ये एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, और वह ये है कि दोबारा अमन, कश्मीर में शांति प्राप्त करने की कोशिश की जाए बिना राजनीतिक समाधान के शांति हो सके। सुनिए सुनिए मेरी बात, पूरी बात तो सुनिए। शांति प्राप्त करने के लिए जब बातचीत होगी तो फिर ये जाहिर हो जाएगा, उसी से जाहिर हो जाएगा। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के उसके साथ भेंट के बगैर ये हो सकेगा कि नहीं, तो फिर उससे वो उस तरफ चलना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छलांग न मारिए, नहीं लगा छलांग पर हम बातचीत में चर्चा में तो कर ही सकते हैं। पहले बातचीत शुरू कीजिए और उस बातचीत से ही यह जो मार्ग है जो अपनाने की आवश्यकता है पूरी तौर से समस्या को हल करने के लिए, वह मार्ग हमें फिर स्पष्ट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। मैं अब अविनाश जी से पूछता हूँ। अविनाश जी, क्या आप मानते हैं कि जब हम चर्चा शुरू भी करें, मैं मानता हूँ एक तरीका ये भी है जो वजाहत साहब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जाना था जापान, पहुँच गए चीन, आपको पता तो होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और
भारतीय संविधान के फ्लेक्सिबल दायरे में अगर आपको कश्मीर समस्या का हल करना है तो आपको ऑटोनॉमी की बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिना उसके क्या शांति हो सकती है? ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ है कि लोग अपने हथियार छोड़ दें, वार्तालाप में आ जाएं और उसके बाद समाधान होगा। हथियार तब छोड़ा जाता है जब समस्या का समाधान सामने नजर आता है। 95% हो गया तो आप हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं, तो वो 95% रास्ता तो ऑटोनॉमी का रास्ता है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर हमें यह पता है कि कश्मीर का एक इंटरनल डायमेंशन है, इंटरनल आयाम है, एक बाह्य आयाम है, एक्सटर्नल डायमेंशन है। एक्सटर्नल डायमेंशन में यूएन रेजोल्यूशंस भी आ जाते हैं, पाकिस्तान भी आ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन भी आ जाती है। हमने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पहल हो रही है, हमने पहले भी बहुत पहल की हैं। और ये 1996 में सबसे पहली बार जब फोरम फॉर परमानेंट रिजोल्यूशन बनाया था जिसमें कोई मिलिटेंट लीडर्स भी आए थे, तो वहाँ पे बातचीत की थी। लेकिन हमारा जो इंटरनल ट्रैक है जिसमें कि हम अलगाववादियों के साथ या हम मिलिटेंट लीडर्स जो पीस का रास्ते पे आ चुके हैं उनके साथ बात करते हैं, तो हमने वो देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमारा आगे नहीं चल पाता, उसकी एक लिमिट है, उसके जाके वो अटक जाता है। क्योंकि फिर मुद्दा आता है कि अब पाकिस्तान को कैसे किया जाए, तो घूम फिर के यही आता है कि इस पाकिस्तान को कैसे डील किया जाए। अब तो एक सोच ये भी है कि अगर आप पहले कश्मीर का एक्सटर्नल डायमेंशन को डील कर लें और उसके बाद आसान हो जाएगा, क्योंकि एक गैर यकीनियत खत्म हो जाएगी, एक अनसर्टेनिटी कश्मीर में खत्म हो जाएगी। अब कश्मीर को पता है कि ये कहाँ रहना है, इसको कहाँ नहीं जाना है, वो एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद आप इंटरनल डायमेंशन को डायलॉग या जो भी जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, बहुत कम समय, 30 सेकंड में विनोद बेर को बताइए, यदि यह सरकार नागा विद्रोहियों से पावर शेयरिंग की बात कर सकती है कि स्टेट के पास क्या शक्तियां होंगी, केंद्र के पास क्या होंगी, स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट को बैठ करके डील कर सकती है कि ये आप रखिए शक्ति, ये पावर हमारे पास रहेगी, तो यही बात कश्मीरियों के साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए, हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी और नॉन डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जुदा करके देखें ज़रा। कश्मीर हम लोगों का जो मर्जी मानना हो, हमारे लोगों की जो मर्जी इच्छा हो, हमारी इच्छा है कि कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और जब तक वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसका एक्सटर्नल डायमेंशन रहेगा, और उस एक्सटर्नल डायमेंशन से निजात पाने के लिए मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्टेटेड नेशनल पोजीशन से जुदा होकर कुछ देखना पड़ेगा। क्या पॉलिटिकल विल हमारे पास वो है, क्या पॉलिटिकल विल वो जो दूसरा निज़ाम उधर चल रहा है सरहद पार उनके पास है, क्या उनके पास वो सोच और वो समझ है, क्या वहाँ पर राजनीतिक वो क्वाइट या ट्रैंक्वलिटी है जिसके चलते वो बातचीत कर सकते हैं? मेरा अपना ये मानना है कि आज के दिन पूरे बर्रे सगीर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो टेरिटरी डिस्कस कर सके दोनों मुल्कों में, ठीक है, एक भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समझदारी पाकिस्तान के पास है कि नहीं और भारत के पास कितनी है, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि समझदारी इसी में है कि जो शक्तियां लोगों के पास थी वो उनसे छीननी नहीं चाहिए जैसा कि कश्मीरियों को लगता है। तो आपको देर सवेर उनसे ऑटोनॉमी की बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, ये देखने वाली बात है। आज चर्चा में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।